आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इसीलिए आज यहाँ आए हैं कि ये चीज़ जो शुरू हुई यहीं रुक जाए, आगे और ज़्यादा डेथ्स ना हो। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है, पिछले साल डेथ्स ज़्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतज़ार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ्स हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। और हमने तय किया है फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू, हमारे पंचायती राज, शिक्षा विभाग और सभी विभागों से मिल के हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत करनी है कि अपने आप को बचो। रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील हैं, जहां पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहां पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटौती वहां पर ना हो। और लोगों से कहा है लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ, शौच के लिए जंगल में जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम तो पंचायती राज विभाग से ख़ास तौर से कहा है कि इस चीज़ को रोकें, अगर कोई जाता मिले तो उसे को मना करें। बहराइच के लिए हम बहुत ही ज़्यादा संवेदन, हम वहाँ परसों वहाँ थे और हम आज रात में फिर पहुँच जाएंगे, और वहाँ के हम देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति पे पूरी निगाह रखे हैं, और वहाँ पे अभी भी इंसिडेंट हुआ है, हम इसमें कोई कठोर निर्णय शीघ्र ही लेंगे। सरकार हर हालत में रोकेगी, वहाँ पे फोर्स पूरा लगा दिया गया है, 12 टीमें और भेजी गई हैं, जगह जगह उसको भेड़ियों को रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के लिए मैंने आपको बताया, सभी विभागों के सहयोग से हमें गुलदार को हर हालत में अटैक रोकना है। और गन्ने के खेत में क्योंकि गुलदार रहते हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी जब गन्ना कटना शुरू हो तो जंगल की तरफ के जो गन्ने के खेत हैं उनको पहले पर्ची दी जाए ताकि वो कट जाएं। आम हाईवेज के किनारे के जो खेत हैं उनके पहले कट जाएं, ताकि जंगल में वो जा सकें और हमारे आम आदमी को बचा सकें। मंत्री जी, जिस समय आप नूरपुर से मेड़ा की तरफ चले थे, उसी समय छात्र के ऊपर गुलदार का हमला हुआ, घायल हुआ है, आज की घटना है, इसमें क्या कहेंगे? वन विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? हम वन विभाग से तुरंत कार्रवाई कराएंगे। पहला काम तो वो अस्पताल में भर्ती है जी। कौन से अस्पताल में? सीएससी में भर्ती है। हम उसके इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराएंगे और देखेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हों। जहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है उसके आसपास पिंजरा लगवाएंगे और रोकथाम करेंगे और उसको पकड़ेंगे। अच्छा, वन से निकल कर जू जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं लोगों के साथ, उसको कैसे देखते हैं? वन से निकल कर रिहायशी इलाके में क्यों आ रहे हैं, इसके लिए? देखिए, ऐसा है क्योंकि बारिश बहुत हुई, ऊपर वहाँ पर पानी भर गया इसकी नाद में, इनके रहने की जगह में पानी भर गया तो ये नीचे आ रहे हैं, और बहुत से जानवर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर जो गुलदार है वो तो समझिए, बहुत से तो गन्ने के खेती उनका परमानेंट घर हो गया, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पे वो इस तरह के काम कर रहे हैं। हम इसकी रोकथाम का पूरा प्रयास कर रहे हैं और सबके सहयोग से, सभी विभागों के सहयोग से और ज़्यादा काम करेंगे। मंत्री जी, आपने समीक्षा बैठक ली है वन विभाग के अफसरों की, बिजनौर जिले में कितने गुलदार हो सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, गुलदार का एक्चुअल नहीं है, लेकिन गुलदार हैं बहुत ज़्यादा, इनकी एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम, लेकिन जितनी संख्या हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे। अच्छा, वन विभाग के अधिकारी ज़्यादातर फोन उठाते हैं, किससे बताएं? हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, आप हमें टेलीफोन कर दें। मंत्री जी, आधुनिक युग में वन विभाग के पास संसाधनों की कमी है, उसके लिए सरकार क्या? जहाँ संसाधनों की कमी है, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट में संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ पर हम रेस्क्यू वैन लगवाएंगे, यहाँ पर रोकथाम के लिए और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मंत्री जी, मुआवजा राशि 5 लाख रुपए किसान को मिलता है, क्या ये पूरा है? उसके हिसाब से जिसके परिवार का कमाने वाला सदस्य इसमें मर जाता है, तो क्या मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए? देखिए, आप जो कह रहे हैं इस बात को हम खुद विचार कर रहे हैं। घर का मुखिया चला गया कमाने वाला, मैं आपकी बात मानता हूँ, हम खुद विचार कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम देख रहे हैं इस बात को कि थोड़ा और बढ़ाया जाए। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।